धमतरी जिले में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कलेक्ट्रेट से महज 3 किलोमीटर दूर खुलेआम रेत की दिन दहाड़े चोरी हो रही है। अब इस मामले में खनिज अधिकारी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरा मामला महानदी के मुड़पार का है, जहां बेखौफ होकर ट्रैक्टरों से रेत की ढुलाई हो रही है। न रॉयल्टी न पीट पास, ये सारी रेत डंपिंग सेंटर जाता है और वहां से हाईवा के जरिए दूसरे जिलों में भेजा जाता है, जिसे रेत माफिया मोटी कमाई कर रहे हैं। इस मामले में जब हमने जिला खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह से सवाल करने की कोशिश की तो जवाब देने के बजाय कैमरे पर आने से ही बचने लगे, लेकिन महासमुंद सांसद ने रेत के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मेरे को ये सब बातें संज्ञान में आई थी, अवैध रेत की परिवहन की और उसकी भी चर्चा की गई, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर जिस भी तरह की ऐसी अवैध परिवहन होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया गया है।